और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो, ये सीजन की जो रैंक पुश रहने वाली है ना, वो अभी जिस तरीके से मेरी चल रही है, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि सबके लिए ये सीजन बहुत मुश्किल होने वाला है रैंक पुश के लिए, क्योंकि हैकर इतने आ रहे हैं ना ये टाइम पे। और अभी भी अगर कोई ट्राई कर रहा है कि रश खेल के प्लस करूंगा अच्छा खासा, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कल मैं ये गलती कर चुका था। कल मॉर्निंग से मैं थोड़ा बहुत रश खेलने का ट्राई कर रहा था जोन के सेंटर में उतर के, जोन के सेंटर बोल रहा हूँ, मैप के सेंटर में उतर के यार मैं बंदों के ऊपर रश कर रहा था, लेकिन एक दो बंदे मारने के बाद तीसरा जो बंदा रहता है वो हैकर निकलता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत माइनस लग जाता है। इसलिए लिटरली यार मैं कल पूरे के पूरे दिन में समझ लो कि 200 का प्लस भी ठीक से नहीं कर पाया। अभी देखो, ये वाले गेम में एक हैकर आ रहा रखा है, और अभी आपको दिखेगा जैसे मैं यहां से गाड़ी लेके निकल रहा था, लिटरली यार मेरे को रैंक पुश में सबसे घटिया चीज़ यही लगती है। एक तो इन लोग के पास स्पीड है, एक एमबोट, मतलब लिटरली हर एक हैक रहता है। अभी ये बंदे की केडी जो थी ना, वो इधर 26-27 की थी, और जब तक गेम खत्म हुआ उसके बाद मैं एक और बार देखने गया तो इसकी 31 की केडी हो चुकी थी। मतलब भाई बंदा भाई क्या ही कुत्तों की तरह सबको पील रहा है। अभी पहले तो देखो कि ये बंदों को किस तरह से मारता है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि ये वाले हैकर से किस तरह से बचना है आप लोग को। लिटरली यार बंदा हर एक बंदे को हेडशॉट ही हेडशॉट मार रहा है, और बंदे के पास इधर वॉल हैक भी था। अभी आप इधर देखना कि नीचे की साइड जो बंदा है वो उसको किस तरह से मारता है, मतलब क्या अगर तुम जमीन के अंदर भी घुस जाओगे ना तो भी ये वहां पे आके तुमको मारेगा ही मारेगा। बंदा भाई वॉल के आर पार भी हेडशॉट मार रहा है, मतलब इसके पास किस लेवल का हैक होगा वो तो आप समझ ही सकते हो। एक से आज पूरा का पूरा दिन देख लेना, रात तक ये बंदा आपको पक्का ही लीडर बोर्ड पे नंबर वन पे दिखेगा। जिस तरीके से अभी ये खेल रहा है ना, हर एक गेम में भाई 40-40 किल, मतलब मजाक हो रहा है, और 40-40 किल्स के साथ इसको भाई जो ही गंदा प्लस मिल रहा होगा। अभी बात कर लेते कि इस तरह के हैकर से आपको किस तरह से बचना है, तो मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मैं कल पूरा का पूरा दिन थोड़ा बहुत रश खेलने का ट्राई किया मैप के सेंटर में उतर के, भाई किल्स निकाल के थोड़ा बहुत चिकन के लिए ट्राई कर रहा था मैं। लेकिन अभी के टाइम पे ना, जब तक हैकर्स कम नहीं होंगे ना, तब तक आप रश बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, थोड़ा बहुत भी रश नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर इस तरीके से एक हैकर मिल गया ना तो आपका भाई जितना भी प्लस होगा ना सारा का सारा माइनस लगा देगा। तो अभी के लिए मैं आप लोग को कुछ टिप्स दूंगा जिसको कि आप लोग को फॉलो करना है डेफिनेटली। आप हैकर को मार तो नहीं सकते, लेकिन हैकर ये वाले हैकर की लॉबी में आप सर्वाइव तो कर ही सकते हो। पहले सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको हमेशा ही मैप के एज पे उतरना है, कभी भी जोन बोल रहा हूँ मैप के सेंटर में नहीं उतरना, या फिर थोड़े बहुत भी कॉर्नर पे नहीं उतरना, पूरा का पूरा एज पे उतरना है, और बस आपको वहाँ पे होल्ड ही करना है। अगर एक ही बंदे का नाम बार बार आ रहा है किल फीड में, तो बोट वोट उठा के भाई अगर तुम मैप के एज पे बैठे हो ना, तो वहाँ पे आपको आप लोग को कहीं ना कहीं से तो एक आध बॉट मिल ही जाएगी। तो बॉट उठा के भाई पानी के अंदर घुस जाओ, वहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊँ ना, तो यार मैं ऐसे ही भाई हैकरों से बचता आया हूँ, और कभी भी ये ज़्यादा जोन के बाहर नहीं आते। अगर तुम जोन से बहुत ज़्यादा दूर हो ना तो समझ लो कि तुम बच ही गए, और अगर आपको लगता है कि आपको VRDM बचा पाएगी तो आपको VRDM भी नहीं बचा पाएंगे। अपने टेरर चीचा भी आ रखे थे ये वाले गेम में, जैसे जोन के अंदर घुसता है तुरंत ही हैकर के पील देता है। तो अगर हैकर आ रखा है ना तो डेफिनेटली जोन के बाहर बैठे बैठे हील बैटल करो, वो आपको ज्यादा पॉइंट्स देगा, आपको हीलिंग्स के भी पॉइंट्स मिलेंगे और आपको पोजीशन के भी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास अच्छी खासी फर्स्ट एड किट्स है तो आप डेफिनेटली #2 आएंगे, आपको अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा। फिलहाल के वो गेम में अपने को 32 का माइनस लग जाता है। अभी जिस तरीके से गेम चाह रहे हैं ना, तो मेरे को जहाँ तक लगता है 5 से 6 दिन के अंदर तो भाई कॉन्करर होना मुश्किल है। अपन ट्राई करेंगे कि 7 दिन के अंदर ही भाई पहला अकाउंट अपन कॉन्करर लगा दे, उसके बाद देखते हैं और कितने अकाउंट्स को कॉन्करर लगा पाते। लेकिन आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आपको हर एक चीज़ का इधर नॉलेज मिल जाएगा, हैकर से किस तरह से बचना है, कौन सी लॉबी में किस तरह से खेलना है, डेफिनेटली हर एक चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके
करके रखना। अभी यार बात कर लेते हैं ये वाली गेम की। तो मैं अभी जस्ट ड्रॉप लूट के आया था, मेरे को ओम मिल गई थी, ऊपर से यार मेरे पास लेवल 3 के सारे गियर्स आ चुके थे, तो अभी मेरे को कुछ दिक्कत लेने वाली बात थी नहीं। मेरे पास इधर स्कोप के नाम पे 3x का स्कोप था, तो मेरे को एक टाइम के लिए लगा कि ओम उठा लिया, ये चीज़ थोड़ी बहुत गलत करती मैंने, लेकिन आगे जाके मेरे को स्कोप मिल जाएगा। अभी के लिए थोड़ी देर यहाँ पर अपन होल्ड लगा देते, और यहाँ पर आता है अपना पहला शिकार। अब यार ये बंदा इधर सीधा नीचे रुक के भाई मेरे पे पुश कर देता है, तो मैं डेफिनेटली भाई मैं भी इस पे पुश करूंगा। इस पे पुश करके इसको भाई अपन निपटा दे, उसके बाद हील विल करके इसको लूटते, तो इसमें से भाई मेरे को 8x प्लस 3x मिल जाए। 3x ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन अपने को इसमें से 8x मिल जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत इधर लूट करते, और जैसे इधर से जोन शिफ्ट होता है तो अपन यहाँ से जोन के साथ ही निकल जाते। अब यार जैसे ये वाले कंपाउंड पे आता हूँ तो भाई पीछे की साइड से एक और बग्गी आती है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रुकता हूँ बंदा इधर से भाग लेता है। अभी के लिए अपने को जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन मिल चुकी थी होल्ड करने के लिए, जोन भी अपने पे था, ज़्यादा अपने को दिक्कत थी नहीं, अपने पास 8x प्लस ओम थी। अगर कोई बंदा अपने को पीक भी देता है तो डेफिनेटली एक हेड लगेगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पर अपन होल्ड करते, अब यार थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अपने को मिल जाता है अपना पहला शिकार। वो बंदा किसी पे इधर स्कोप इन करके बैठा था, लेकिन भाई अपने को उसका हल्का सा हेड दिख जाता है, एक हेड लगता है, और भाई मटके का जो ही साउंड आता है ना, एकदम ही स्वाद आ जाता है वो वाला साउंड सुन के, और जो ही ये अपडेट लाया है ना भाई मज़ा आ जाता है। अगर बंदे को हेड लगता है ना तो तुरंत ही पता चल जाता है, जितने भी हेड लगते वो वाले सारे के सारे हेड पर भाई तुमको अलग ही साउंड दिखेगा, तो मतलब तुम समझ जाओगे कि सामने वाले बंदे को हेड लग चुका है, तुम उस पर जाके पुश कर सकते हो। अभी के लिए अगला जोन इधर से शिफ्ट हो चुका था, जोन जो था ना वो अपने ही कंपाउंड पर था, क्योंकि वहां पे जो बंदा था उसको तो अपन निपटा चुके थे, और उसका व्हीकल भी वहां पे लगा हुआ रहेगा, तो मतलब कोई बंदा अगर वहां पे आने का कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि वहां पे कोई ना कोई बंदा रहेगा, लेकिन अपने को भी पता है कि यहां पे जो बंदा था वो अपन ने निपटा दिया। सीधा का सीधा ये बंदे पे आ जाता हूं, और सबसे पहले देखता हूं कि यहां पे कोई और हो ना, और जैसे मैं ये बंदे की क्रेट देखता हूं तो इसको भाई क्या ही बोलूं, एकदम ही खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा था भाई बंदा, SKS प्लस यूजी, शायद से बेचारे को ज़्यादा अच्छी खासी लूट नहीं मिली थी। फिलहाल के लिए यहाँ पर अपन होल्ड करते, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि गला थोड़ा बहुत बैठा हुआ है सर्दी की वजह से, तो थोड़े दिन एडजस्ट कर लेना, उसके बाद अपन भाई वापस से अपनी एकदम ही खतरनाक वाली एनर्जी के साथ वापस आ जाएंगे। अब भाई जैसे मैं इधर ये बग्गी वाले बंदे को मारता हूं, मेरे को एक और बग्गी स्पॉट हो जाती इधर। अब यार उस पर मैं स्प्रे ले ही रहा था कि यहाँ पे एक यूएस वाला बंदा मेरे पे पुश कर देता है। अब भाई ये बंदे को मारने में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, अगला जोन भी इधर मेरे पे बन चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या सीन होता है वो देखना आप लोग। ये बंदे को मार के जैसे मैं इधर इसको लूटने का ट्राई कर रहा था, पीछे की साइड से एक बंदे का स्प्रे आता है मेरे पे, लेकिन जब तक मैं उसको मारने जाता उसको भाई एक बग्गी वाला बंदा इधर कुचल देता है। और अभी ये बंदे के साथ क्या सीन होता है, अब यार बग्गी वाले बंदे की भी भाई किस्मत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसने भाई एक बंदे को कुचला, और जैसे वो बंदा यहाँ पे आके होल्ड लगा रहा था, पीछे की साइड से एक हिम वाला बंदा उसको आके पील जाता है। अभी जिस जगह से साउंड आ रहा था मैं वहाँ पे एक नेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा इधर शायद से नेड से डैमेज हुआ रहेगा, लेकिन बंदा इधर नेड से फटता है नहीं। तो अभी इधर मेरे को बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी, तो मैं वापस से घर के अंदर घुस जाता हूँ, और थोड़ी देर इधर होल्ड करके देखता हूँ कि बंदा कहाँ पर नहीं। और जैसे इधर मेरे को बंदा स्पॉट होता है,
पहले तो यार इधर मैं सोचा कि बंदे को नेट से उड़ाऊं, लेकिन बंदा इधर क्लियर व्यू में था, क्यों ही भाई इधर फोकट में अपन नेट वेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बंदे को लूटने आ जाता हूँ। इसके पास MG3 थी एंड साथ में M4 भी थी, तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ M4 ही उठाता हूँ, क्योंकि अभी के लिए दो और बंदे बचे थे और पूरे के पूरे ओपन में थे, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरी ओम काम आ सकती है और अभी के लिए मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है। पहले मैं सीधा ही उस पर शॉट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं इधर वेट कर रहा था कि बंदा जैसे इधर स्टेबल होगा उसके बाद उस पर एक परफेक्ट शॉट लूंगा, और जैसे बंदा स्टेबल होता है इजीली अपन उसको किल कर देते हैं। उसके बाद मैं इधर पीछे की साइड जाके MG3 उठा लेता हूँ और जितने भी ग्रेनेड्स मिलते हैं ना वो सारे के सारे उठा के यहाँ से भाई सून की तरफ भाग लेता हूँ। जैसे इधर जोन के अंदर आता हूँ मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है। बंदा पहले मेरे पे रश करने आता है, लेकिन उसके बाद अपना प्लान चेंज कर देता है, तो पीछे भागने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अपन उसको आराम से किल कर देते। सो बस ये थे आजकल गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कैसे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।